एसएससी जीडी 2024-25 का जो वैकेंसी आया है ऑल टोटल तो आपका 39,841 पद है, लेकिन स्टेट वाइज का जो कितना पद है, कौन सा स्टेट में ज़्यादा है, और उसी हिसाब से आप उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फर्स्ट चॉइस। तो इसीलिए मैं आज जब फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूँ उससे पहले ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो फिजिकल एकेडमी में आप लोग की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, एसएससी जीडी का फिजिकल बैच काफी दिन से शुरू हो रहा है और शुरू भी हो गया है। आपको आना है तो दिए नंबर पर कॉल करिए और आपका जो सपना है पूरा करिए। जो अभी न्यू वैकेंसी जो आया है उसका भी बेस चालू हो गया है। आपको आना है तो हमारा दिए नंबर में संपर्क करिए। अग्निवीर वेस्ट बंगाल बंदा के लिए बहुत ही अच्छा खासा बेस चल रहा है। आपका रानी में कमजोर है, भीम नहीं लग रहा है, तो हमारा दिए नंबर पे कॉल करिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो आपने एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया अग्निवीर में, तो आपका सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन अभी चलते हैं वीडियो में, कौन सा स्टेट का कितना वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश टोटल आपका हो गया 883, बीएसएफ का है 359, सीआईएसएफ का 163, सीआरपीएफ का 265, आईटीबीपी का 68 और आसाम राइफल का 68। ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 883 टोटल पद है। लेकिन यही आसाम का बात करें, बीएसएफ में 1729 और आपका सीआईएसएफ में 700797, सीआरपीएफ में 1120, आईटीबीपी में 301 और आसाम राइफल में 122, 4069 मतलब 4069। ये हो गया आपका असम में। असम में कम छोटा स्टेट है, लेकिन वैकेंसी भी काफी अच्छा दिया है, इसीलिए जो असम के बंदे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है और 2025 में जॉब लेने के लिए बहुत ही वैकेंसी भी अच्छा है। अभी बात करते हैं बिहार, बीएसएफ का हो गया आपका 673 और सीआईएसएफ का हो गया आपका 337, सीआरपीएफ का 506 और आईटीबीपी का 130 और आसाम राइफल का 53, टोटल 1699। छत्तीसगढ़ का बात करता हूँ, बीएसएफ का हो गया 553 और आपका सीआईएसएफ का हो गया 243, सीआरपीएफ का हो गया 409 और आपका आईटीबीपी का 108, आसाम राइफल का 42। आसाम राइफल का जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि आसाम राइफल एक छोटा फौज है, वो आर्मी का अंडर आता है, आर्मी का उसमें उनका जो आर्मी का रूल्स चलता है, लेकिन जो तनख्वाह वगैरह और आपका जो पेंशन वगैरह वो है सीपीएफ के अंदर। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ 1355। दिल्ली का बात करता हूँ, बीएसएफ का 109, सीआईएसएफ का 49, सीआरपीएफ का 80, आईटीबीपी का 21 और उसके बाद हो गया आसाम राइफल का 9, टोटल 268। दिल्ली वाले सुधर जाओ, क्योंकि आपका बहुत ही कम वैकेंसी है। जो दिल्ली में बैठे थे, मान लीजिए आप बंगाल से, लेकिन आके कहीं दिल्ली में अटैच में अभी रह रहे हैं, लेकिन वहाँ का आपने बना लिए है, फिर भी आप बंगाल से भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो रेसिडेंशियल वहाँ का होना चाहिए। गुजरात का हो गया 1020, बीएसएफ का 435, उसके बाद हो गया आपका सीआईएसएफ का हो गया 186, उसके बाद हो गया सीआरपीएफ 200291, आईटीबीपी का 7376 और आपका आसाम राइफल का 32, टोटल 1020। हरियाणा का बीएसएफ का 164, सीआईएसएफ का 75, सीआरपीएफ का 121 और आईटीबीपी का 32, आसाम राइफल का 13, टोटल 405 पद है। ये लड़की और लड़का के लिए, ये नहीं कि आपका लड़की है या सिर्फ मेल के लिए, नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये जो वैकेंसी है, मेल फीमेल के लिए। अभी बात करते हैं जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का टोटल जो पद हैं 1521, ये जो स्क्रीन में आ रहा है उसमें देख लीजिए, क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। झारखंड का है 1164 और आपका हो गया कर्नाटक का 974, केरला का 8676, मध्य प्रदेश 1519, महाराष्ट्र 2074, उड़ीसा 1434, पंजाब 515, उसके बाद आपका बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान का हो गया 1155, तमिलनाडु का हो गया 1152
और तेलंगाना का हो गया 703, त्रिपुरा का हो गया 469, और उत्तर प्रदेश का 3217, उत्तराखंड का हो गया 224, और वेस्ट बंगाल का हो गया 1861। ये टोटल जो पद हैं ये स्टेट वाइज पद हैं, इसमें लड़की और लड़का दोनों के लिए ये पद है। ये नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हो कि मेल फीमेल का ना, ये टोटल दोनों का पद है। इसीलिए जो आप वैकेंसी देख रहे हो और स्टेट कौन सा भी है, आप देखो कि किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, उसी हिसाब से अभी फर्स्ट चॉइस रखिए। ऐसा ना हो कि आसाम राइफल फर्स्ट चॉइस रख दिया और आपका वहाँ वैकेंसी कम है, तो आप जाके देखोगे टोटल फर्स्ट जो चॉइस है आपका नहीं मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट चॉइस रखना है, जो आपका वैकेंसी ज़्यादा है उसकी लेवल पर रख सकते हो। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको यूट्यूब में गूगल में जाके सर्च करो SSG 2024 स्टेट वाइज वैकेंसी, उसमें आपको पूरा दिखा देगा कि कौन सा स्टेट का कौन सा इसमें वैकेंसी ज़्यादा है और कौन सा कम वैकेंसी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे न्यू न्यू रिलेटिव वीडियो मिलने के लिए आप हमारा चैनल में जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।